महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हुए पुरातन छात्रों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरुण सिंह द्वारा स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया गया और पुरातन छात्रों द्वारा अपने अपने अनुभवों को साझा करते हुए शिक्षा पद्धति को और बेहतर से बेहतर बनाने की अपील की गई। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह व पुरातन छात्र प्रोफेसर गोपाल प्रसाद ने बताया। आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जो है पुरातन छात्र सम्मेलन रखा गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय की स्थापना 1932 में परम पूज्य तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत विजयनाथ जी ने किया था। तब से इस विद्यालय से निकले हुए विभिन्न पुरातन छात्र विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट पदों पर रहे हैं। उन धरोहरों को सजोने के लिए आज वो सम्मेलन रखा गया है, ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें और पुरातन छात्रों के अनुभवों का लाभ विद्यालय को प्राप्त हो सके। इस दृष्टिकोण से आज पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी उस समय भी होती थी, आज भी सुनते हैं पढ़ाई हो रही है। और उस समय में 1986 में हाई स्कूल मऊ से पास करके डीएवी इंटर कॉलेज से यहाँ करके इंटरमीडिएट में बायो ग्रुप में दाखिला लिया था। इंटरमीडिएट मैंने 1988 में यहीं से किया। इसके बाद फिर मैं विश्वविद्यालय में बीए अप्ट किया, फिर वहाँ से एमए किया, फिर आगे की यात्रा तय किया। और उस यात्रा में इस महाविद्यालय का हमारी जो महाविद्यालय इस जो कॉलेज की जो शिक्षा थी, जो यहाँ का डिसिप्लिन था, वो बहुत ही मायने रखता है। और आगे आने वाले दिनों में हमारे चरित्र में, हमारे कर्तव्य में इस कॉलेज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे आगे के जीवन के पथ के लिए।